आजमगढ़ के अहिरौला थाने की पुलिस ने दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी और बाल अपचारी को हिरासत में लिया है। इस मामले में 3 अप्रैल को अहिरौला थाने में पीड़िता के परिजनों ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि सौरभ और एक बाल अपचारी ने बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपियों द्वारा बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके साथ ही आरोपियों ने पीड़िता को इस बात को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। पीड़िता का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इसी क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अहिरौला थाने के प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही। इसी क्रम में एक अपराधी और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट भेजकर जेल के लिए रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।